दम घुटने से 5 की मौत, कमरे में कोयला सुनगा कर सोए थे। जान गंवाने वालों में 3 सगे भाई बहन, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंदर से दरवाजा ना खुलने पर ग्रामीणों ने घर में लगे शीशे तोड़ दिए और सभी लोगों को कमरे से बाहर निकाला। अंदर मौजूद लोगों को सौदनगली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अमरोहा में एक दर्दनाक हादसे से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। घर के अंदर सो रहे 7 लोगों में से 5 की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रात को पूरा परिवार खाना खाकर सोया था। जब शाम तक घर से कोई नहीं निकला, तब मोहल्ले वालों ने गेट तोड़कर अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। पड़ोसियों ने अंदर जाकर बेसुध पड़े लोगों को बाहर निकाला। ये घटना थाना सौदनगली के गाँव ढक्का मोड़ की बताई जा रही है, जहां के रहने वाले रईसुद्दीन के घर पर सोमवार रात करीब 8 बजे उनकी पत्नी सहित उनके 3 बच्चे व 2 रिश्तेदार के बच्चे खाना खाकर सो गए थे। लेकिन जब मंगलवार की शाम तक नहीं उठे, जिसके बाद जब लोगों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर का नजारा कुछ और ही था। रईसुद्दीन के 3 बच्चे और 2 रिश्तेदारों के बच्चे सहित 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि रईसुद्दीन और उनकी पत्नी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अम्पम सिंह और भारी पुलिस बल के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और वैधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी राकेश कुमार त्यागी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो गई है, क्योंकि अंगीठी में इन लोगों के कमरे में कोयला जला था, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मौत हो गई है।